प्रखंड क्रांति मंच के केंद्रीय सचिव सह नावा बाजार प्रखंड के पूर्व प्रमुख रेणु देवी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि ODF घोषित रबदा पंचायत में शौचालय निर्माण योजना में मुखिया वीरेंद्र राम व बिचौलियों की मिली भगत से भारी घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसकी वजह से रबदा पंचायत के महिला व पुरुष खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, जिनकी वजह से न केवल कई प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है बल्कि पीएम मोदी का खुले में शौच से मुक्ति अभियान विभत्स मजाक में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा है कि रबदा पंचायत में स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर केवल लूट का अंजाम दिया गया है। यही हाल पूरे नवा बाजार प्रखंड क्षेत्र का है, जिसे आनन फानन में तत्कालीन जिला प्रशासन ने खुले में शौच से मुक्त घोषित कर अपनी पीठ खुद थपथपाने की जल्दबाजी दिखलाई थी। अंत में पूर्व प्रमुख ने कहा है कि शीघ्र ही उपायुक्त व उप विकास आयुक्त प्लामू को ज्ञापन सौंप कर शौचालय निर्माण में भीषण घोटाले की जाँच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग किया जाएगा। कहने को तो रबदा पंचायत ODF घोषित हो गया है, जो कि आज भी महिलाएं शौच के लिए खुले मैदान में जा रही है और पुरुष भी जा रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, जो जांच का विषय है। DDC और DC महोदय से मांग करती हूं कि जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगी।